नमस्कार दोस्तों, देखिए आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो देखिए पहले समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, कितना है समीकरण फर्स्ट, 2x + 3y = 11 है। 11 को इधर लेफ्ट साइड टपाएंगे, 2x + 3y, तो माइनस हो जाएगा 11 = 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको लेते हैं, 2x - 4y = -24, 2x - 4y, 24 को इधर टपाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में ए वन निकालेंगे, बी वन निकालेंगे, सी वन निकालेंगे। कितना है ए वन, यहाँ एक्स का गुना 2, फिर बी वन कितना है यहाँ पे वाई पे गुना 3, फिर सी वन कितना है, कुछ नहीं है उसमें, -11। फिर ए टू, अब समीकरण सेकेंड में निकालेंगे, कितना है 2 है, फिर बी टू कितना है -4, फिर सी टू कितना है यहाँ पे 24। देखिए अब इसको चेक करेंगे अद्वितीय हल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, ए वन बाय ए टू बराबर कितना है 2/2, कटेगा तो 1 बचेगा। फिर बी वन बाय बी टू बराबर कितना है 3/-4, फिर सी वन बाय सी टू कितना है -11/24। देखिए तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ए वन बाय ए टू बराबर नहीं है बी वन बाय बी टू, तो ई हो गया अद्वितीय हल। लिखेंगे देखिए अब समीकरण फर्स्ट को लेके चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + 3y - 11 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, ई दोनों को इधर दाहिने साइड टपा देंगे, 2x = 11 टपेगा तो प्लस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा इधर 3y। अब देखिए यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 11 - 3y / 2। ई समीकरण थर्ड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट लिए, अब सेकेंड लेंगे, सेकेंड से समीकरण सेकेंड क्या है, 2x - 4y + 24 = 0। अब यहाँ एक्स के जगह पे ई पूरे को रखेंगे, 2 × 11 - 3y / 2, यहाँ पे -4y + 24 = 0। 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11 - 3y - 4y + 24 = 0। अब देखिए -3y और -4y जुटेगा तो कितना हो जाएगा -7y। अब 11 और 24 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 35 = 0। -7y = 35 को इधर दाहिने साइड टपाएंगे तो माइनस हो जाएगा 35, माइनस माइनस कैंसिल, इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग y = 35/7। 7 से कटेगा 5 बार में, तो y का वैल्यू हम लोग का 5 निकल गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण थर्ड लेते हैं, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर क्या है समीकरण थर्ड, x = 11 - 3y / 2, वाई की जगह पे 5 रखेंगे, 11 - 3 × 5/2, x क्या हो जाएगा 11 - 5 = 15/2, घटेगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा
माइनस 4/2, 2 से कटेगा 2, तो x बराबर -2 हो गया। अब सवाल में चलते हैं, हम लोग का x और y का वैल्यू निकल गया। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, m का मान निकालने बोल रहा है, तो e वाला समीकरण लेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं, y बराबर m x प्लस 3, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से। तो हम रखेंगे y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 5 बराबर m गुना x का मान कितना है, -2 जोड़ 3, इसको इधर टपाएंगे, 5 प्लस है तो माइनस होगा 3 बराबर, यहाँ पे गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा। अब यहाँ पे घटेगा तो 2 हो जाएगा बराबर -2m, यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा तो भाग, 2/-2 हो जाएगा बराबर m, तो कैंसिल 2 2, तो m बराबर कितना बच गया, -1। तो फाइनल आंसर हम लोग का कितना निकल गया, 1। धन्यवाद दोस्तों।